कुछ उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे एक बार फिर से साबित हो गया कि कलयुग में भी मीरा जिंदा है और कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई सारी ऐसी युवतियां हैं जिनमें मीरा अभी भी फंसती हैं। वहीं औरैया से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कान्हा की मूर्ति के साथ ही इस युवती ने विवाह रचा लिया। कान्हा के प्यार में ये पूर्णतः मीरा बन गई। माता पिता ने कन्या दान भी किया, जहां कान्हा के प्रेम में इस कदर ये बहती नजर आई कि पूरे विधि विधान के साथ पूर्णता हिंदू रीति रिवाज के साथ गिरधर गोपाल से शादी कर चाहते हुए ये कन्या नजर आई। वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी, जो कि राजस्थान की युवती ने कान्हा से विवाह रचवाया था। और ठीक ऐसी ही खबर आज उत्तर प्रदेश के औरैया से सामने आई है, जहां माता पिता ने कन्यादान करके इस विवाह को संपन्न कराया। और औरैया जिले के बिथुना कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर युवती ने कान्हा से विवाह रचवाया। जहां आपको बता दें, कान्हा की मूर्ति के साथ शादी रचाते पूरे विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ ये कन्या नजर आई, तो पूरे रस्म रिवाज के साथ ये विवाह रचाती नजर आई। तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। भगवान कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम जो है किस कदर था और किस कदर फान चढ़ता नजर आया, ये प्यार किसी से छुपा नहीं। हालांकि कलयुग में भी ये प्यार एक बार फिर देखने को मिला, जहां ऐसी ही एक मीरा यूपी के औरैया जिले से सामने आई, जिसने अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। हर एक का श्वास भगवान कृष्ण के नाम कर दी। युवती ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ शादी की। बकायदा विवाह की रस्में निभाई गई और बारातियों को दावत भी दी गई। औरैया के बिथुना कस्बे के भरथाना रोड स्थित आवास पर एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ, जिसको देख करके हर कोई हैरान रह गया। यहाँ पर भक्ति में लीन युवती ने अपना सारा जीवन कान्हा के साथ रहने की ठान ली और उसकी मूर्ति से शादी कर ली। और औरैया से रक्षा सोलंकी और उनका पूरा परिवार हमारे साथ सीधे जुड़ गया है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस प्रेम के प्रति और कब से ये प्रेम जो है उनका बना आ रहा है। तो हमारे साथ सीधे उनका पूरा परिवार जुड़ गया। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रक्षा, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे, इस कदर का प्यार, इस किस बचपन से आपको कान्हा से इतना प्यार था, या फिर धीरे धीरे उनके बारे में जानना शुरू किया आपने और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया उसके बाद ये प्यार? देखिए, श्रद्धा तो शुरू से है मुझे इनमें। प्रेम की बात करें तो अभी ये कुछ वर्षों से इनके प्रति ज्यादा लगाव हो गया है, और कुछ इस तरह के मुझे सपने भी आ रहे थे कि इन्होंने मुझे वरमाला पहनाई है, तो मतलब इन चीजों पे कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मुझे काफी समय से इस तरह के सपने आ रहे थे। लेकिन रक्षा, अगर देखा जाए तो समाज में ये चीज मनवाना या समाज के बीच में रह करके इस तरह का कोई काम करना जो समाज से बिल्कुल हट करके है, काफी मुश्किल हो जाता है। क्या आपको भी इस तरह के जीवन यापन के लिए कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? जी जी, बहुत मुश्किल आई। पहले तो कोई तैयार नहीं था, लेकिन ये इन्हीं की इच्छा मानी जाएगी कि धीरे धीरे फिर सब राजी हो गए। बिल्कुल रक्षा, अगर बात आपके माता पिता की कर ली जाए तो क्या उनको मनाना भी मुश्किल था, या आपने बताया और वो बिल्कुल तैयार हो गए कन्यादान करने के लिए? क्योंकि मीरा को तो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उनके माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। आपके माता पिता को लेकर के क्या राय? नहीं, देखिए, वो मीरा भाई तो एक बहुत महान आत्मा थी, उनकी तुलना करना तो बेकार है। लेकिन अपना अपना प्रेम है, अपनी अपनी श्रद्धा है, और मुझे काफी ताने भी मिले, काफी कुछ सुनने को मिला, लेकिन फिर सब ठीक हो गया धीरे धीरे। बिल्कुल, वक्त के साथ सब ठीक भी हो जाता। और ये एक लोग शामिल हुए थे शादी में। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहल। लेकिन इस बीच में आपसे ये भी एक सवाल जानना चाहूंगी, इसका जवाब
कि आखिर जो एक फीलिंग होती है, जो एक इमोशन होता है कान्हा के प्रति, ये इमोशन इतना परवान चढ़ना कि आप उनसे सीधा विवाह करने के लिए ठान लेते हैं। आपने ये भी कहा कि आपको ऐसे सपने भी आए थे कि आपका विवाह श्री कृष्ण के साथ हो रहा है, तो इसको लेकर के किस तरह, क्या ये सपने जो हैं आपके अब भी आए हैं या फिर इससे पहले भी ऐसे सपने आते थे? ये पहले तो मुझे दो बार आया, करीब 11 साल पहले आया था, और फिर अभी ये 2 महीने से लगातार आ रहे हैं, मतलब आए दिन आते हैं, लगातार तो नहीं लेकिन आए दिन इस तरह के सपने आते रहते थे। बिल्कुल रक्षा, आपके आपके पिता से भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। आपके पिता की क्या राय रही जब उनको ये पता चला कि आप कान्हा से शादी करने वाले हैं, तो सर आपको कैसा लगा और आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था, आपकी कैसी प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने कहा कि उन्हें गिरधर गोपाल की मूर्ति से शादी करनी है? अभी उनके पास आवाज नहीं जा रही, मैं उनको दे रही हूँ। अच्छा अच्छा प्लीज। अगर अगर रक्षा, अगर आप स्पीकर पर रख पाए ताकि सबको सुनाई दे। चलिए सर, मेरा मेरा सवाल आपसे यही था कि जब रक्षा ने ऐसा कुछ कहा कि उन्हें गिरधर गोपाल से शादी करनी है, उनकी मूर्ति से शादी करनी है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको कैसा लगा ये सुन करके? पहले तो अजीब सा लगा, हमने कहा हम लोग विवाह जिस तरह से होती है उस तरह से करना चाहिए, लेकिन उसकी विशेष लगन थी, पूजा पाठ शुरू से ही करती थी कन्हैया जी के लिए, उसकी श्रद्धा रही विशेष, और जहाँ भी लड़कों की बातचीत करते थे फलां जगह बहुत सुंदर लड़का ये हुए, कई जगह से ऑफर भी आए लड़के वालों की शादी के लिए, तो इसने मना कर दिया कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम कन्हैया जी से ही शादी करेंगे, हमारी अंतरात्मा ऐसे कहती है हम वही करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, आगे जीवन बहुत लंबा होता है, ये भी सोच लो ये तपस्या है, उसने कहा हम सब कर लेंगे, सब हमारे कन्हैया जी जो है हमारे रखवाले हैं, सब कुछ वही करेंगे, आप भी चिंता न करें, हमें भी कोई चिंता नहीं। तो इस तरह से जब उसकी विशेष इच्छा देखी, उसकी पावन इच्छा देखी, और हमने भी फिर हामी भर ली पूरे परिवार ने, इस तरह से विवाह संपन्न 11 तारीख में किया। बिल्कुल, क्योंकि काफी मुश्किलें आती है जब कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो कि समाज से बिल्कुल हटकर के हो, गिरधर गोपाल से शादी करना एक बड़ा फैसला हो जाता है। उस जमाने में भी अगर मीरा की बात कर ली जाए, उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था, उनके परिवार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उनके विवाह नहीं करवा पाए थे, लेकिन आपने एक पहल की जो कि कृष्ण की मूर्ति से इनका विवाह करवाया। ऐसे में अगर पूरे परिवार की बात की जाए, रिश्तेदारों की बात की जाए, तो क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई इनकार? नहीं, किसी तरफ से कोई फिर इनकार नहीं हुआ, जब उन्होंने देखी कि पुनीत पुनीत इच्छा इसकी है, पुनीत कार्य हो रहा है, तो उसमें कोई भिन्न नहीं डाल सकता ना, इसलिए सभी रिश्तेदारों ने भी अपनी ही सहमति जाहिर की और सभी सम्मिलित हुए, तो अच्छी तरह से धूमधाम से विवाह हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और साफ तौर पर ये वादा नहीं है जी, और एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल, बहुत अलग कदम यहाँ पर उठाया है। रक्षा के माता जी से भी जरूर हम बात करना चाहेंगे, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपको मैम, आपको कैसा लगा जब रक्षा के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें श्री कृष्ण से शादी करनी है, क्योंकि एक माँ की भावनाएं अलग होती है, एक माँ के इमोशंस अपने बच्चों को लेकर के अलग रहते हैं, क्या उनके भविष्य को लेकर के जरा भी संकोच आपके मन में? नहीं, पहले था लेकिन फिर नहीं, बाद में जब उसकी हमने विशेष इच्छा देखी, उसका पवित्र प्रेम देखा, तो फिर हमने उसको अपनी सहमति दे दी और हमें बड़ी खुशी है इस चीज की। बिल्कुल, आपने एक बेटी भगवान कृष्ण से प्रेम करती है,
तो हम खुश हैं, बहुत बहुत खुश है इस चीज से। चलिए, आपने एक बहुत उदाहरण इस समाज के लिए पेश किया है कि अपनी पुत्री का साथ आप दे रहे हो, भी एक ऐसे कदम है जो समाज से हट करके काफी ये कदम है। रक्षा से बातचीत हम करना चाहेंगे, तो जरा अगर उन तक आवाज पहुंच पा रही हो तो। जी रक्षा, देखिए एक एक बहुत अच्छी पहल और एक सबसे समाज से हट करके, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, एक पहल आपने की है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि आपको ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो कहीं से नहीं मिली, बस वही ये सपने जो आ रहे थे। तो बात ऐसी है कि मुझे ऐसा कुछ, अभी ये गॉड गिफ्ट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, मुझे जो सपने आते हैं वो अक्सर सच हो जाते हैं। तो संसार की तरफ से थोड़ा लगाव कम था, तो फिर मैंने इन्हीं से शादी कर ली। चलिए रक्षा, आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो अगर कोई भजन आप सुना पाए आज। जी दो लाइन अगर आप गा पाए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। चलिए, आपने बहुत बेहतरीन गाना इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर गाया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया आपने रक्षा, और काफी अच्छी पहल आपने की है। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी शादी की, और बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश।